हेलो दोस्तों, दीप वानीज किचन में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताने वाली हूँ इंडियन फ्यूज़न रसमलाई केक की रेसिपी, जो कि बहुत ही डिलीशियस आती है। और अगर आप रसमलाई लवर हैं तो प्लीज़ इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए एक बोल में एक कप पिसी हुई चीनी डालेंगे, एक कप दही, और इन दोनों को विस्क की सहायता से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें 2 छोटी चम्मच बेकिंग पाउडर डालेंगे, 1 छोटी चम्मच बेकिंग सोडा और 1/2 छोटी चम्मच नमक, और इन सबको भी बढ़िया से मिला लेंगे। अब हम इसमें 1/2 कप ऑयल डालेंगे, आप चाहें तो बटर का भी यूज़ कर सकते हैं। 2 छोटी चम्मच वनीला एसेंस, और इन सबको बढ़िया से मिला लेंगे। अब हम एक स्ट्रेनर लेंगे और उसमें 2 कप मैदा थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे, और इसको इस बैटर में बढ़िया से मिक्स करते जाएंगे जिससे इसमें लम्स ना आने पाए। ये देखिए, इस तरीके से एक बढ़िया स्मूथ बैटर रेडी कर लेंगे। हमारा बैटर बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब हम इसको केक टिन में ट्रांसफ़र करेंगे। मैंने यहाँ पर 8 इंच का केक टिन लिया है, जिसको मैंने पहले से ही ग्रीस कर लिया है। इसमें अपना केक का बैटर डालेंगे और इसको प्री हीटेड ओवन में 180 डिग्री सेल्सियस या फिर 350 डिग्री फ़ारेनहाइट पर 40-45 मिनट के लिए बेक कर लेंगे। आप इसको गैस पे भी बेक कर सकते हैं। तो ये हमारा केक काफ़ी अच्छे से बेक हो चुका है। अगर आपको कढ़ाई में केक बेक करना है तो उसकी रेसिपी का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप मेरे बटरस्कॉच के वीडियो में जाकर उसको चेक कर सकते हैं। तो अब हम अपने केक की लेयरिंग्स कट करेंगे। आप इसको जितने चाहे उतने लेयर्स में कट कर सकते हैं। ये देखिए, मैंने इसमें पूरे 4 लेयर्स कट किए हैं। और अब हम इस केक की आइसिंग करेंगे। इसके लिए मैंने एक चिल्ड बोल लिया है, उसमें 2 कप व्हिपिंग क्रीम डालेंगे, 1 चम्मच वनीला एसेंस और 2 से 3 बड़ी चम्मच आइसिंग शुगर या पाउडर शुगर डालेंगे, और इसको बढ़िया से बीट कर लेंगे जिससे इसमें स्टिफ पीक्स आ जाए। और ये देखिए, हमारी व्हिपिंग क्रीम बिल्कुल रेडी हो चुकी है व्हिप होके। अब हम इसमें थोड़ा सा येलो फूड कलर डालेंगे, ये बिल्कुल ऑप्शनल है। मैंने रसमलाई का लुक देने के लिए इसमें ये कलर यूज़ किया है, आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं। और इसको भी इसमें बढ़िया से मिक्स कर लेंगे। तो अब हम अपने केक की आइसिंग करेंगे। इसके लिए केक बोर्ड के चारों तरफ बटर पेपर लगाएंगे और इसके सेंटर में थोड़ी सी व्हिपिंग क्रीम लगाकर उसको अच्छे से स्प्रेड कर देंगे। अब हम केक का स्पॉन्ज लेंगे और उसके ऊपर रसमलाई की रबड़ी को अच्छे से चारों तरफ स्पून से स्प्रेड कर देंगे। ये देखिए इस तरीके से। और अब हम इसको केक बोर्ड के ऊपर रख देंगे, और अब इसमें ऊपर की तरफ भी अच्छे से रबड़ी को फैला देंगे। अगर आपकी रसमलाई की रबड़ी थोड़ी गाढ़ी है तो आप उसमें दूध डालकर उसको थोड़ा पतला कर सकते हैं, जिससे वो स्प्रेड करने में थोड़ी इजी होगी। ये देखिए, और अब हम इसके ऊपर डालेंगे अपनी व्हिप की हुई क्रीम, और उसको भी स्पैचुला की हेल्प से चारों तरफ अच्छे से स्प्रेड कर लेंगे। अब हम इसके ऊपर रखेंगे रसमलाई के टुकड़े। और थोड़े से कटे हुए पिस्ता, आप चाहें तो इसको स्किप भी कर सकते हैं। और अब हम सेकेंड लेयर को भी सेम फर्स्ट लेयर की तरह रसमलाई की रबड़ी से अच्छे से सोक करेंगे और उसको फर्स्ट लेयर के ऊपर रख देंगे। और अब हम सेम प्रोसेस फॉलो करते हुए सारे लेयर्स को ऐसे ही असेंबल कर लेंगे।
और जब केक के सारे लेयर्स असेंबल हो जाएंगे तो हम इस केक को चारों तरफ से व्हिपिंग क्रीम से कवर कर देंगे। और इसको स्पैचुला की हेल्प से या कार्ड की हेल्प से चारों तरफ से स्मूथ कर लेंगे। ये देखिए इस तरीके से। जो हमारा केक अच्छे से व्हिपिंग क्रीम से कवर हो जाएगा तो हम इसके चारों तरफ से बटर पेपर निकाल लेंगे। अब इस केक को चारों तरफ से कटे हुए पिस्ता से डेकोरेट कर देंगे और इसके कॉर्नर्स को क्लीन कर देंगे। अब आप इस केक को अपने मनचाहे डिज़ाइन में डेकोरेट कर सकते हैं। मैंने इस केक को डेकोरेट करने के लिए स्टार नोजल का यूज़ किया है, जिससे हम इस केक के ऊपर थोड़े स्वर्ल बनाएंगे। ये देखिए इस तरीके से। और सेम स्टार नोजल से ही इसके नीचे भी एक बॉर्डर लाइन बना देंगे। इसका सेंटर डेकोरेशन आप सिर्फ रसमलाई से भी कर सकते हैं, बट मैं इसको एलिगेंट लुक देने के लिए नेचुरल रोज का यूज कर रही हूँ। और इसके कॉर्नर्स पे हम एडिबल पर्ल्स रख देंगे। आप चाहें तो एडिबल स्प्रिंकल से इनको थोड़ा और डेकोरेट कर सकते हैं। डेकोरेशन बिल्कुल ऑप्शनल है, आप जो भी चाहें, आपके पास जो भी इंग्रेडिएंट हो आप उसके हिसाब से इसको डेकोरेट कर सकते हैं। अब हम रोज़ के साइड साइड में रसमलाई को हाफ ऑफ पीसेस में रख के डेकोरेट करेंगे। ये देखिए इस तरीके से। और अब हम रसमलाई के पीसेस के ऊपर कुछ कटे हुए पिस्ता डाल देंगे। और इनको थोड़े केसर के स्ट्रिंग से भी और डेकोरेट कर देंगे। तो ये हमारा रसमलाई केक बिल्कुल रेडी है। आप इसको किसी भी ओकेजन पे बना सकते हैं। और अगर आपके पेरेंट्स केक पसंद नहीं करते हैं तो यकीन मानिए उनको ये इंडियन फ्यूज़न केक बहुत पसंद आने वाला है, क्योंकि इसका टेस्ट बहुत ऑसम आता है। तो प्लीज़ आप भी मेरी रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। मेरी और ऐसी ही इंटरेस्टिंग और डिलीशियस रेसिपीज जानने के लिए करिए बस अगले फ्राइडे का इंतज़ार। उसके लिए मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। स्टे ट्यून्ड, एंजॉय एंड स्टे सेफ।